श्लोक में यहाँ कहा गया है कि केवल वे जो वास्तव में भौतिक बंधन से मुक्त है भगवान के भक्त बन सकते हैं। कर्दम मुनि ने योग का अभ्यास किया और योग के माध्यम से वे भगवान को देखने में सक्षम हुए, दर्शन पाते थे। लेकिन वास्तविक योग कृष्ण के साथ उसी ग्रह पर रखना है। योग का उद्देश्य समाधि प्राप्त करना है, इसका अर्थ है हमेशा कृष्ण के साथ रहना, ऑलवेज बीइंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति को त्याग देते हैं और कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इस तरह वे आसानी से कृष्ण लोक तक पहुंच जाते हैं। कृष्ण की इंद्रियों को कैसे सुख देना है या सिखाने या सीखने के लिए हमें सही स्रोत से सुनना होगा। जो लोग सही स्रोत से नहीं सुनते हुए या नहीं सोचेंगे कि कृष्ण की कैसे प्रसन्न किया जाए, इसके बजाय वे अपनी संतुष्टि के बारे में सोचेंगे, तो भक्ति में पहली बात सही स्रोत से सुनना है। यह प्रक्रिया लेकिन से स्रोत पंथ है, स्रोत पंथ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं पशु कृष्ण कथा नहीं सुन सकते, एनिमल्स डॉग कैट्स के नॉट, पशु प्रवृत्ति वाले लोग कृष्ण कथा नहीं सुनते। हम पहले ही वैकुंठ यज्ञलोक से आने वाली ध्वनि के बारे में बात कर चुके हैं। जब तक हमें वैकुंठ गोलोक से ध्वनि नहीं मिलती, हम वैकुंठ गोलोक में नहीं जा सकते। ध्वनि शब्द ब्रह्मन स्वयं भगवान है, शब्द ब्रह्म। यदि कोई व्यक्ति शब्द ब्रह्मन को ध्यान से सुनते हैं, तो उसके हृदय तुरंत बदल जाएगा। हमने कहा कि भगवान को हृदय में देखना चाहिए। किसके लिए भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं? यदि किसी को इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है तो भगवान उसके हृदय में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। भगवान को देखने के लिए कैसी दृष्टि चाहिए, वैसी दृष्टि चाहिए। यदि हम आरोही पाद पर है तो कृष्ण दर्शन प्राप्त करना संभव है। तो एकमात्र संभव मार्ग लेकिन से अवरोह पंथ है, अनुग्रह का मार्ग। इज कमिंग फ्रॉम फ्रॉम अप टू डाउन, एकमात्र संभव मार्ग अवरोह पाथ है। जब सूर्य की किरण किसी व्यक्ति के अंकों को छूती है तो वह व्यक्ति सौर डिस्क को देख पाएगा। यू कैन सी सन डिस्क, इसको सूर्य। इसी तरह कृष्ण यहाँ अवतारित होते हैं और फिर हम उन्हें देख सकते हैं। ऐसे करने के लिए हमें केवल अपनी आंखें तैयार करने की जरूरत है। जब तक आंखें भौतिक सौंदर्य के पीछे भागती है, तब तक हमारी आंखें कृष्ण को देखने के लिए तैयार नहीं होती। आंखें केवल भौतिक सौंदर्य को देखने के लिए तैयार है, आध्यात्मिक सौंदर्यता देखने के लिए आंखों को तैयार करना चाहिए। शुड प्रिपेयर आवर आईज टू सी कृष्ण। ब्रह्म संहित कहा जाते प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वो हरि कथा जिसके द्वारा कोई कृष्ण को देख सकते हैं, जिसे कोई कृष्ण को देखने के लिए अपनी आंखें तैयार कर सकते हैं, कृष्ण कथा माध्यम से वह हरि कथा शुद्ध है। यह भौतिक प्रकृति के गुणों से नहीं है, सत्व रज तमस नहीं है। हरि कथा गुणों से मुक्त है, शुद्ध सत्व स्थिति है। और हरि कथा बोलने वाले को प्रकृति के गुणों से भी मुक्त होना चाहिए।
तब कोई कृष्ण को देख सकते है। जो कथा बोलते ही वह निर्गुण होना चाहिए। यदि हम ध्यान पूर्वक सुने तो हम भी प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। हरी कथा बहुत शक्तिशाली है। वीर्यवाची हरी कथा सतम प्रसंगम मम वीर्य संविदो भवान जिहृत कर्ण रसायन कथा मम वीर्य संविदो। बहुत शक्तिशाली कथा वीर्यवाची हरी कथा। हमें शुद्ध निर्गुण हरी कथा सुनने की इच्छा करनी है। हरी कथा गुणों से मुक्त और चेतना से भरपूर है। चेतना माया हरी कथा का क्या अर्थ है? सर्वोच्च चेतना परम चेतना शील की कथा है। इस कथा को सुनने से शुद्ध चेतना के विकास होगा। हमारा प्रयास उस स्थान पर पहुंचना है जहां हरी कथा होती है। संस्कृत में दो शब्द है, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग क्या आप जानते हैं किया क्या है? बहुत से लोग हरी कथा को ठीक से नहीं समझते हैं, लेकिन वे अनुस्वार और विसर्ग जोड़ते हैं और हरी कथा कहते हैं। इसका मतलब है कि वे संस्कृत में सुंदर श्लोक पढ़ रहे हैं। लोग उनकी महिमा करते हैं, क्या विद्वान आदमी है, वो केवल संस्कृत बोलते हैं। श्लोक 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 मास्टर। वे लोगों को धोखा दे रही है। लोगों में ऐसे व्यक्तियों से आकर्षित होते हैं जो भौतिक संसार से सुंदर ढंग से कथा बोलते हैं। ऐसे कई कहानियां हैं, क्योंकि वे असहज सच नहीं बताते हैं, केवल अच्छी बातें करते हैं। वे हमारे कानों को मनोरंजन करते हैं। यदि आप उनसे पूछें तो वे सूत्र शास्त्र द्वारा अपने कार्यों की पुष्टि करेंगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सच बोलो लेकिन केवल सुखद सच बोलो। यदि कोई श्रोताओं के हृदयों पर कब्जे करने के प्रयास करते हैं तो वह बहुत अच्छे वचन बोलते हैं, हरे कृष्णा। परंतु ऐसे व्यक्ति हमें कृष्ण से नहीं जोड़ सकता। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, कृपया समझें, यदि कोई व्यक्ति सत्य नहीं बोलते है तो सुनने वाले का परम सत्य से संबंध कैसे बनेगा? परम सत्य के साथ संबंध विकसित किए बिना व्यक्ति माया के साथ संबंध विकसित करेगा। ऐसी कथा जो हमें माया में ले जाए वह आध्यात्मिक जगत की कथा नहीं है। अधिकांश कथावाचक केवल श्रोताओं को आकर्षित करने के लिए भौतिक कथा बोलते हैं। ऐसे कथाकारों में क्या चेतना होती है? यदि उनकी चेतना शुद्ध नहीं है तो सुनने वाले अपनी चेतना को भौतिक से आध्यात्मिक में कैसे बदलेंगे? ऐसी कथा को सुनने से हम विपरीत धर्म का विकास कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? एक विद्वान व्यक्ति मूर्ख बन जाएगा, पंडित मूर्ख जाएगा, मूर्ख बनेगा, वह कुछ था लेकिन सुनकर दुखी हो जाएगा, दुखी। हरी कथा सुख देती है, व्यक्ति दुखी क्यों हुआ? क्योंकि वह सही स्रोत से नहीं सुन रहे। वे एक अच्छे भक्त है, यह इतना क्यों बदल गया है? ये ईमानदारी से सेवक की और अब सेवा ही नहीं करते। बेशक वह कुछ सुन रहा था, उन्होंने भले ही खुलकर ना सुना हो लेकिन सबसे छुपकर उन्होंने कुछ व्याख्यान देखे और सुने। परिणाम स्वरूप अपने जीवन को भक्ति में जारी नहीं रखना चाहता। वह कृष्ण की सेवा कृष्ण की सेवा में शामिल न होने की बहाने ढूंढते हैं। मुझे भौतिक चिंताएं है, मुझे घर बनाने की जरूरत है, मुझे अपनी बेटियों की शादी करने की जरूरत है, यही कारण है कि हम फिर से उठे और गिरे हैं। They were advancing, then falling down. कैसे बांदर पेट पर चढ़ गया, किसान भरे भांस पर चला और गिर गया। यह एक और उदाहरण। पानी के एक भरे जलाशय लेकिन थाली में एक छेद है। हम भगवतम की को गंभीरता से सुनने है और गंभीरता से सेवा करते हैं, लेकिन आप
हम गंभीरता से वो नहीं करते और हम गंभीरता से नहीं सुनते। सब जो भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होते हैं हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, शुद्ध शुद्ध चले गए। हु इज प्रैक्टिसिंग देन लिविंग, दैट इज द रीजन, नॉट लिसनिंग, ओनली वन रीजन इज देयर। सुबह से शाम तक हम तरह तरह की आवाजें सुनते हैं, फिर भी हम दुखी हैं। ऐसे शब्द हमें कृष्ण से दूर माया की ओर ले जाते हैं। जन्म से ही हमारा कोई मान नहीं है, हमने कुछ सीखा और थोड़ी देर बाद गौरवान्वित हो गए, कैसे क्या हो गया। मैं गुरुदेव के व्याख्यान सुनता था और गुरुदेव के शब्दों को एक लाइक लैपटॉप में लिखता था, और अब मैं खुद व्याख्यान देता हूँ। मुझे गुरुदेव के शब्दों की आवश्यकता क्यों है, मैं खुद बोलूंगा। जिस क्षण हम वैकुंठ वैकुंठ वार्ता वैकुंठ शब्द से आने वाले शब्दों की उपेक्षा करते हैं, भौतिक ध्वनियां हमें परेशान करेंगी। हम कृष्ण से कैसे संबंधित होंगे, हम भगवान के घर वापस कैसे जा सकते हैं। हमने सुनने की उस प्रक्रिया को छोड़ दिया है जिसके द्वारा हम कृष्ण के पास आए थे। यू कैन आस्क इट, आई एम स्पीकिंग कथा, नो आई एम नॉट वर्थी पर्सन टू स्पीक कथा, मायोगी हूँ। आई एम रीडिंग व्हाट आई हर्ड फ्रॉम साधु, आई एम नॉट स्पीकिंग, आई एम नॉट सो पर्सन दैट आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई माइंड, आई एम रीडिंग व्हाट साधु इज सेइंग। एंड हम उपदेश दे रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो शब्द है वैकुंठ शब्द है, ये भौतिक शब्द है। आई एम प्रीचिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग, इट इज कमिंग फ्रॉम माइंड और इज कमिंग फ्रॉम शास्त्र और फ्रॉम गुरु। इस वजह से मैं हमेशा लैपटॉप को इस्तेमाल करता हूँ, ओनली वन दिस रीजन। श्री गुरु गोविंद स्वामी हमेशा लैपटॉप से बाहर एक स्वीट केस रखते थे, स्वीट केस फुल ऑफ बुक। 1996 में उनके निधन से ठीक पहले श्री गुरु गोविंद स्वामी श्री प्रभुपाद के शताब्दी मनाने के लिए एक विशाल उत्सव का आयोजन किया, और वहाँ इसकों की सभी सन्यासियों और गुरुओं की उपस्थिति में उन्होंने शब्द कहे। हम बहुत उपदेश देते हैं, बहुत प्रीचिंग देते हैं, करते हैं, लेकिन यह सिर्फ खाली तीर है। लेकिन से हम खाली तीर मारते हैं, जैसे ब्लैंक फायर इस शूटिंग नो वन विल केयर। ऐसे उपदेश से कोई भी शुद्ध बात नहीं बनते हैं। थाउजेंड फॉलोअर्स, थाउजेंड डिसाइपल्स, कोई विल बिकम शुद्ध बात। पहले हमें अपने आप को एक शुद्ध स्रोत से सुनना चाहिए, जो हमने सुना है उस पर हमें चिंतन करना चाहिए और फिर हमें दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। दिस वेरी इम्पोर्टेंट। कितने साल मैंने सुने है, सो व्यासदेव उपस्थित क्यों थे जब शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद भागवतम को उपदेश दिया था। व्यासदेव पहले ही भागवतम लिख चुके हैं। नारद मुनि ने व्यासदेव को भागवत लिखने का निर्देश दिया, वे क्यों उपस्थित है। एक शिष्य ने श्रीमद भागवतम से बात की। व्यासदेव के शिष्य ने कृष्ण कथा सुनाए, लेकिन गुरु और परम गुरु विनम्रता पूर्वक बैठ कर सुनते है। लिसनिंग वो शुकदेव गोस्वामी से और व्यासदेव रोज भागवतम क्यों, क्योंकि यह कथा परव्योम से आध्यात्मिक दुनिया से आती है। आध्यात्मिक दुनिया की कथा अमृत से भारी होती है। ऐसे कथा सुनने से कोई कैसे चूक सकते हैं। अगर आध्यात्मिक दुनिया से ध्वनि कंपन हमारे कानों को नहीं छूती है तो माया कथा प्रवेश करेगी और हमें अपनी इंद्रियों का आनंद देगी। इसलिए हमें खराब संचार पसंद है, क्योंकि असत संग के शाप हमारे इंद्रियों को सुख देते हैं। यदि हम भगवान कृष्ण की चरण कमलों में शरण लेते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम शिक्षित है या नहीं। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट हाउ मच यू इंजीनियर और व्हाट यू हैविंग एजुकेशन, हमारे पास शक्ति है या नहीं, नो इम्पोर्टेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। हमें कैसी शिक्षा चाहिए, कैसी शक्ति चाहिए, भौतिक शक्ति, भौतिक शिक्षा। इससे हमें क्या लाभ होगा, सिक्किम अपने शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। सो मेनी एजुकेटेड पर्सन इन सिक्किम, यस आई हर्ड,
हम कई पढ़े लिखे लोग हैं, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की सेवा करना जानते हैं, यदि कोई व्यक्ति उनके प्रसन्न करना जानते हैं, तो वह वास्तव में विद्वान है, शिक्षित है, अदरवाइज अशिक्षित। उन्हें सही शिक्षा मिले, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन मैं कृष्ण की चरण कमलों से दूर नहीं रह सकता। मुझे उन भौतिक वस्तुओं के प्रति कोई आकर्षण नहीं है जो गुणों के प्रभाव में है, ये मेरी ताकत है, मैं कृष्ण की चरण कमलों में रहता हूँ। भले ही कोई मुझे शारीरिक रूप से नाश कर दे, मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगा। कौन इस संसार के भले के बारे में, संसारिक लोगों के भले के बारे में सोचते है, जो भगवान कृष्ण के सेवक बन गए है, वह इस संसार के लोगों के लिए अच्छा कर सकते है। यदि आप लोगों की भलाई करना पसंद करते ही, तो भगवान कृष्ण के सेवक बने। क्या आप दास बने बिना प्रचार कर सकते हैं? पहले दास बनो, फिर कृष्ण कथा करो। कहो, फर्स्ट यू बिकम दास, देन यू बिकम प्रीचर। मैं अध्यक्ष बनने जा रहा हूँ, सो आप इस तरह समाज का भल नहीं कर सकते। आई बिकम प्रेसिडेंट, बिकम जीबीसी, आप जीबीसी हो सकते हैं, आप अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन इससे आपका कोई भला नहीं होगा। सबसे पहले मैं एक नौकर हूँ, कृष्णदास। जो कुछ हम देखते हैं वह केवल भौतिक पहचान है। सबसे पहले मैं कृष्णदास हूँ। कृष्णदास कैसे बने? पहले आपको गुरुदास बनना होगा। गुरु मुझे कृष्ण की सेवा में लगा देंगे। यदि गुरु हमें कृष्ण की सेवा नहीं करने देता, तो वह गुरु कैसे हो सकते है? अगर मैं गुरुदास बन गया गुरु, तो गुरु मुझे कृष्ण सेवा में लगा देंगे। सबसे पहले गुरुदास बनना चाहिए। अगर हम गुरुदास और कृष्णदास बन जाएं, तो हम समाज का भला कर सकते हैं। मानव समाज के लिए वास्तविक दान क्या है जो कृष्ण की सेवा करते है? रुचि परिवर्तन, रुचि परिवर्तन। ऐसे दान हमारे स्वाद को बदल देते है। दैट इज रियल कंट्रीब्यूशन टू समाज। कमें समटाइम्स पीपल आस्किंग ऑन द स्ट्रीट, डू यू समाज, are you doing समाज सेवा? Yes, this is real समाज सेवा, रुचि परिवर्तन। हमें भौतिक दुनिया के लिए एक स्वाद था, रुचि था, आप रुचि बदल गए है, स्वाद बदल गए। ये कृष्णदास के कारण हुआ। यदि किसी व्यक्ति के रुचि बदल गए है, तो आप उसे दंड से मार सकते है, लेकिन वह नहीं हटेगा। मैं गोपाल से कहां जाऊंगा? एक व्यक्ति के स्वाद रुचि क्यों बदल जाते है, और दूसरे व्यक्ति का रुचि क्यों नहीं बदलते है? उसने सुना नहीं। यदि शब्द ब्रह्म ने किसी व्यक्ति को स्पर्श नहीं किया है, तो उसका रुचि कैसे बदल गया? जो कोई भी कृष्ण कथा बोलकर हमारा रुचि बदल देते है, वह वास्तव में दयालु है। दिस इज रियल कंपैशन, रियल फिलान्थ्रोपिक एक्टिविटीज। पहले मैं बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा था, लेकिन जब मैंने गुरुदेव को सुना, जब मुझे गुरुदेव की कृपा मिली, तो मेरे मन में कृष्ण के साथ रखने की तीव्र इच्छा पैदा हुई। किसी व्यक्ति को यह कहने की आवश्यकता नहीं है, एक वेश्या के पास जाओ, ओके, प्रोस्टिट्यूट। स्वाभाविक रूप से एक वेश्या के पास जाते है, क्योंकि यह माया द्वारा व्यवस्थित है। अगर प्रोस्टिट्यूट इन गैंगटॉक मेनी, सो this is, you don't know, I heard, I didn't see, but if someone wants, he go,